हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचर्स डेस्क। फ्रेंड्स, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पुण्य नहीं कमाया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके पुण्य कमा लें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो बीएड के सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर है, जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये क्वेश्चन पेपर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का है, 2016-18 का क्वेश्चन पेपर, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे की टाइमिंग मिल जाती है और यह क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का होता है। यह क्वेश्चन पेपर 3 ग्रुप्स में बटा हुआ होता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी तथा ग्रुप सी। ग्रुप ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जहां पर प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होते हैं और यहां पे प्रश्नों की संख्या होती है 10। इस प्रकार 20 मार्क्स का यह सेक्शन होता है। तो चलिए इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, ये प्रश्न ए, एक का ए, जो कहता है कि वृद्धि से तात्पर्य है, इसका ऑप्शन एक है, केवल आकार में बदलाव। या फिर केवल ऊंचाई में बदलाव, या फिर आकार एवं भार इत्यादि में बदलाव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको राइट ऑप्शन का चुनाव करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न बी, जो कहता है कि शैशवावस्था की आयु लगभग मानी जाती है, इसका ऑप्शन एक है, जन्म से 1 वर्ष तक, ऑप्शन दो, 1 वर्ष से 2 वर्ष तक, ऑप्शन तीन, जन्म से 3 वर्ष तक, या फिर ऑप्शन चार, जन्म से 4 वर्ष तक। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन का चुनाव करना है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न सी, जो कहता है कि सामाजिक वर्ग के लिए मूल कसौटी क्या है, इसका ऑप्शन एक है व्यवसाय, ऑप्शन दो है हैसियत, ऑप्शन तीन है धर्म, या फिर ऑप्शन डी है आवास का स्थान। तो आपको राइट ऑप्शन का चुनाव करना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न डी, जो कहता है कि बालकों के शारीरिक विकास के मुख्य कारक क्या हैं, इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन एक व्यायाम, ऑप्शन दो सफाई, ऑप्शन तीन आहार, या फिर ऑप्शन डी निद्रा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो क्वालिटी सही से नजर नहीं आ रही है तो आप YouTube के ऊपर कॉर्नर में जो 3 डॉट्स दिया गया है उन पर क्लिक करें और वहां पे जाके वीडियो की क्वालिटी को 360p या उससे ऊपर चूज करके देखें, आपको वीडियोज साफ साफ दिखाई देने लगेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न ई की तरफ, जो कहता है बालकों के समाजीकरण के कितने चरण हैं, ऑप्शन एक दो, ऑप्शन दो तीन, ऑप्शन तीन चार, या फिर ऑप्शन चार पांच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न एफ, जो कहता है कि किशोरावस्था है, इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन एक संकटमय अवस्था, ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन दो विकास का उच्चतम स्तर, या फिर ऑप्शन तीन सोच, या फिर इनमें सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से किन विद्यार्थियों को ध्यान की आवश्यकता है, ऑप्शन एक अंतर्मुखी, ऑप्शन दो मंद गति से सीखने वाले, ऑप्शन तीन गुणी, या फिर ऑप्शन चार इनमें सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न एच, जो कहता है कि बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था के बीच एक डैश अवधि है, इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन एक पारगमन, ऑप्शन दो तनाव, ऑप्शन तीन आंधी, या फिर ऑप्शन डी ऑप्शन चार तनाव व आंधी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न आई, जो कहता है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है, ऑप्शन एक मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन दो समाजशास्त्रीय, ऑप्शन तीन भौतिक, या फिर ऑप्शन चार सामाजिक मनोवैज्ञानिक। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कहता है कि किसने कहा अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है, इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन एक हरलॉक, ऑप्शन दो फ्रैंक, ऑप्शन तीन गेने, ऑप्शन चार स्किनर।
तो आपको राइट ऑप्शन का चुनाव करना है। और इसी के साथ ग्रुप ए समाप्त होता है। अब हम लोग ग्रुप बी की तरफ बढ़ चुके हैं जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का ग्रुप है। यहाँ पे आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, आपको 4 से अधिक प्रश्नों के ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। इस प्रकार 4×5=20 मार्क्स का ये ग्रुप होता है, जिसका पहला प्रश्न प्रश्न संख्या 2 कुछ इस प्रकार है, जो कहता है कि विकास के सिद्धांत क्या है। फिर है अगला प्रश्न जो कहता है कि किशोरावस्था का अर्थ क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। फिर है अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 जो कहता है कि वृद्धि तथा विकास के मुख्य अंतर क्या हैं। फिर है अगला प्रश्न शारीरिक विकास के संदर्भ में शैक्षिक प्रक्रिया का विश्लेषण करें। फिर है अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 जो कहता है कि स्वाभिमान तथा स्वनियंत्रण किशोरों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। मैं आप लोगों के सामने इन सारे प्रश्नों को पढ़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि यदि वीडियो की क्वालिटी खराब भी हो तो आप मेरे बातों से मेरे वाणी से यह जान पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, और इस बेसिस पर अपने आगामी बीएड के सेमेस्टर 1 के परीक्षाओं की तैयारी आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 7 जो कहता है कि समाजीकरण से आप क्या समझते हैं। फिर है अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 जो कहता है किशोरों पर मीडिया इंटरनेट तथा मोबाइल का क्या प्रभाव पड़ता है। फिर है अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न ग्रुप बी का जो कहता है कि अभिवृद्धि तथा विकास के विभिन्न चरण क्या हैं। और इसी के साथ ग्रुप बी समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं ग्रुप सी की तरफ जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का ग्रुप है। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको कुछ प्रश्नों के ऑप्शंस मिल जाते हैं जहाँ पर आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, और यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न आपको 8 मार्क्स के मिलते हैं। तो 8×5=40 मार्क्स का ये ग्रुप हो जाता है और ओवरऑल 80 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है, जिसका पहला प्रश्न ग्रुप सी का कहता है कि किशोरावस्था के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, एक अध्यापक इन समस्याओं को हल करने में किस प्रकार मदद कर सकता है। तो यह है पहला प्रश्न। फिर अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 जिसका हिंदी तो नहीं दिया गया है, आपको इंग्लिश में मैं बताना चाहूंगा। डिस्कस द पार्ट प्लेड बाय द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, जिसका हिंदी मीनिंग में समझाना चाहूंगा कि हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता तथा वातावरण का बच्चे के विकास में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या रोल है, क्या मुख्य भूमिका है, इस बारे में आपको बताना है। इसका किसी कारणवश हिंदी प्रिंटिंग छूट गया है, मिसप्रिंट हो गया है, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि इसके हिंदी मीनिंग क्या है, कि अनुवांशिकता तथा वातावरण का किसी बालक के विकास में क्या योगदान होता है, क्या भूमिका होती है, क्या पाठ होता है, तो इसका आपको आंसर देना है। फिर अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 जो कहता है कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सीटेट के एग्जाम्स के लिए भी, बीएड के लिए भी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 13 जो कहता है कि बालक के शारीरिक एवं नैतिक विकास में अभिभावक तथा अध्यापक की क्या भूमिका है। फिर अगला प्रश्न कि ब्रूनर के सिद्धांत की व्याख्या करें। और ग्रुप सी का अंतिम प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि वंशानुक्रम से आप क्या समझते हैं, वंशानुक्रम एवं वातावरण के आपसी संबंध को अधिगमकर्ता के संदर्भ में समझाएं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इस प्रकार के और भी क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा, और साथ ही साथ बीएड के बाकी सारे स्टडी मटेरियल्स तथा सीटेट जेटेट आदि के कंटेंट्स भी इसमें अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू एवरीबॉडी for watching this video. Thank you.